सो यहाँ पर हमारे पास लेवल्यू की SD501 है कैंगन मशीन, एंड वन ईयर का जो हर साल में आपको जो क्लीनिंग करना पड़ता है, मैं शॉर्ट डेमो में आपको बताऊँगा करना क्या है। आपको मार्केट से सेट्रिक एसिड ख़रीदना है, ये जो क्लीनिंग पाउडर होता है सेम चीज़ देते हैं ये लोग, सेट्रिक एसिड। एंड सेट्रिक एसिड को लगभग इतने बड़े ग्लास में आप भर लीजिए और उसको एक बॉक्स में डाल दीजिए। मैंने इस ये 4 लीटर का एक बॉक्स ऑर्डर किया, उसके अंदर मैंने डाल दिया। एंड इतना ही पानी गर्म करके मैंने केटल के अंदर गर्म किया और उतना ही पानी गर्म करके इसके अंदर डाल दिया। तो जो सेट्रिक एसिड है बड़ा वैसा होता है, यू नो, बहुत ही ग्रेनल जैसा होता है, तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए, गर्म पानी में मिक्स हो जाता है। और मिक्स करने के बाद आप 1 लीटर पानी भरिए किसी बॉटल में, टैप वाटर होना चाहिए, टैप वाटर को आप इसके अंदर डालिए। एंड आपका जो पंप है इसके अंदर आप एक पंप देख सकते हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, 350-350 का पंप है, उसको वहाँ से कनेक्ट कर दिया। एंड फिर उसके साथ मैंने क्या किया है कि उस पंप का कनेक्शन मैंने वाटर इनलेट में दिया है एंड जो कैंगन में जा रहा है, एंड बाकी दोनों इनलेट सेम यहाँ पर डाल दिए हैं, तो आउटलेट। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ से भी पानी निकल रहा है, वहाँ से भी पानी निकल रहा है, और उस वो मोटर पावर दे रहा है, तो वो मोटर बड़े फोर्स से सारा पानी अंदर डालता है। एंड यहाँ पर मैंने वाटर फिल्टर हटा के CPU एंड यूनिट लगाया हुआ है जिससे इट कैन यू नो ईजली वर्क, और फिल्टर आप अलग रखिए अपना, इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़रूरी चीज़ है जो सब जहाँ पर नहीं बताई जाती, जो वाटर इनलेट होता है उसके अंदर ये छोटी सी एक बॉल आती है, ये बॉल निकालना बहुत ज़रूरी होता है तो वाटर का फ़्लो प्रॉपर मिल पाए। ये वाटर के फ़्लो को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारा कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो यह साल में एक दो बार आप क्लीनिंग कर सकते हो ऐसी इन गुड इंटरवल, मैं तो 7-8 महीने में कर दिया करूँगा। इंजॉय।